हनीमून पे कहाँ चलेगी? मैं चाहती हूँ कि हम दोनों साथ में ताजमहल देखने जाएं। अगर तुझे कहीं और जाना है, कुछ और देखना है, तो हम कहीं और भी जा सकते हैं। नहीं, जहां तू चाहती है वहीं चलेंगे। तेरी खुशी में मेरी खुशी है, तू खुश तो मैं खुश। तेरा माधव के साथ हनीमून। आप सिर्फ मेरे हैं, सिर्फ मेरे, और मैं आपको कभी किसी और का नहीं होने दूंगी। आई मेरे माधव को मीठा खिलाने वाली। अरे वैदेही, मैंने तुझे मीठा लाने के लिए बोला था ना। मैंने तुझे कहा था ना, मुझे मीठा खाने की इच्छा हो रही है। मेरे होते हुए आपको मीठे की क्या जरूरत है? मैं हूं ना आपकी स्वीट डिश। क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तू कैसी बातें कर रही है वैदेही? क्यों, क्या गलत कहा मैंने? देखिए माधव, मैंने ना अपना मन बना लिया है, मुझे नहीं जाना हनीमून पर, मुझे नहीं पसंद ताजमहल, मुझे तो यही रहना है आपके साथ इस घर में। हाँ वो ठीक है, लेकिन तूने ही तो कहा था कि तुझे ताजमहल देखने की इच्छा हो रही है। हाँ, पर अब मैंने मन बदल लिया। प्लीज माधव, अगर शराब के साथ में कबाब मिल जाता
तो मजा आ जाता। नहीं तो नहीं। ठीक है। तो कुछ भी नहीं, फिर कहा दूंगी। भाभी जी आराम से। भाभी जी नमस्ते, कैसे हैं आप? आपको पता मैंने आपके हनीमून के लिए पूरी रिसर्च की है। आपको अगर है प्रकृति से प्यार तो जंगल सफारी कर रहा है आपका इंतजार, और अगर आपको है बर्फीले पहाड़ों से प्यार तो उसका भी है मेरे पास जुगाड़। आप बताइए, आप माधव के साथ कहाँ जाना पसंद करेंगी? साले साहब को जाके बताना पड़ेगा। अरे मैं चलो पर कैसे गिर गई? और ये यहाँ पर किसने फेंके? माधव मीठा खाने का इंतजार कर रहा होगा, मुझे उसके लिए ले जाना चाहिए। अरे क्या हुआ? क्या हुआ बोलो? क्या हो गया? आप ठीक तो हैं? आप मेरे कमरे से भागते हुए आए हैं? क्या हुआ? अब कौन सी नई नौटंकी है ये? जय जी रिलैक्स रिलैक्स, एक लंबी सांस लो। अब मुझे बताओ क्या हुआ? एक नहीं दो वैसे को देखा। क्या कह रहे हो आप? ये सच कह रहा हूँ। एक उधर उधर किचन में और दूसरी उधर बाथरूम में। बाथरूम में? अरे मेरा मतलब बेडरूम में। माचो जिया जी, आपने ना पी रखी है, ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो, सो जाइए आप। बहकी बहकी बातें नहीं कर रहा हूँ ग्रैंड भाई सर, तुम तो मेरी बातों पर यकीन करो। मैंने दो बार देखी अपनी आंखों से। जय जी, मैंने इतनी बार कहा है कि इतनी शराब मत पिया करो कि तुम्हें होश ना रहे, सो जाओ चुपचाप। क्या जिया जी, आप भी? अरे, अरे।
बोलो। मैंने सच में वैदेही को देखा। मैं तुम्हारी कसम खा के कहता हूँ। वैसे जयजी तुम मेरी कसम कभी झूठी नहीं खाते हो। हाँ। पर एक साथ दो दो वैदेही। हाँ दो दो। जयजी कहीं कहीं चित्रा मैं वैदेही हूँ। क्या हो जाता है मुझे बार बार अचानक से बेहोश हो जाती हूँ और जब होश आता है तो कुछ याद नहीं रहता। तुझे पता है वो जयचंद क्या बोल रहा था? वो दारू पी के बोलता है कि उसे दो दो वैली दिख रही थी। पागल हो गया है वो पूरी तरह। वैसे एक बात बता, तू हनीमून पे जाने के लिए इतनी एक्साइटेड थी, तूने अपना मन क्यों बदल लिया? अब ये क्यों कह रही है कि तुझे ताजमहल नहीं देखना, तुझे बिल्कुल पसंद नहीं है? क्या? मैंने ऐसा कब कहा? मुझे जाना है हनीमून पर। अरे अभी तो तूने कहा था कि तुझे ताजमहल नहीं देखना है। मैंने ऐसा कब कहा माधव? मुझे कुछ भी याद नहीं है। मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैं तेरे लिए मीठा लेने के लिए रसोई में गई थी और वहां से सीधा यहाँ आई हूँ। इसके अलावा मुझे कुछ याद नहीं है। मुझे कुछ भी याद नहीं है। ये सब क्या हो रहा है माधव? वैदेही, 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 रिलैक्स, रिलैक्स। तुझे डॉक्टर ने आराम करने के लिए बोला है। तू प्लीज बिल्कुल भी स्ट्रेस मत ले। चल आराम कर। पर माधव, छोड़ दे सब। आजा। भगवान जी मेरी मदद करो ना। ये सब जो गलत हो रहा है उसे ठीक कर दो। मैं माधव को और दुखी नहीं करना चाहती, ना ही उसकी परेशानियों की वजह बनना चाहती हूँ। मैं तो माधव की जिंदगी खुशियों से भरना चाहती हूँ, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब आप ही कोई रास्ता दिखाओ, मेरी मदद करो भगवान, मेरी मदद करो, मुसीबतों से बाहर निकालो। भाभी आप? हाँ, वो मुझे नींद नहीं आ रही थी। लेकिन तू अभी तक क्यों जाग रही है वैदेही? मुझे भी नींद नहीं आ रही भाभी। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। आपको पता है आज मैंने माधव से कहा
कि मुझे उसके साथ हनीमून पर जाना है और मैं उसके साथ ताजमहल देखना चाहती हूँ और उसके बाद मैं उसके लिए मीठा लेने के लिए रसोई में चली गई। वहाँ मेरे सर में दर्द हुआ और मैं वहीं बेहोश हो गई। और जब मैं वहाँ से वापस आई तो माधव ने मुझसे कहा कि मैंने उसे मना कर दिया है कि मैं हनीमून पर नहीं जाना चाहती हूँ। पर मैंने ऐसा तो कुछ कहा ही नहीं है भाभी। और माधव ने मुझसे कहा कि जीजा जी ने मुझे रसोई में देखा है और माधव कहता है कि मैं उसके साथ कमरे में थी। अब अगर माधव कह रहा है तो सच ही होगा ना, वो भला क्यों झूठ बोलेगा। लेकिन मैं एक ही समय पर दो जगह कैसे हो सकती हूँ भाभी। वैसे जय जी तुम मेरी कसम कभी झूठी नहीं खाते हो। पर एक साथ दो दो वैदे। भाभी आप मेरा एक काम कर सकती हो। हाँ वैदे बोलना। आप मेरी मदद करोगी क्या ये सब पता लगाने में कि ये सब क्यों और कैसे हो रहा है। जब भी मेरे सर में दर्द होता है या तो मैं बेहोश हो जाती हूँ या फिर मुझे नींद आ जाती है। भाभी अगले 24 घंटे तक आप मेरे साथ रहिए ना, आप मुझे सोने मत देना, फिर देखते हैं कि ये सब गड़बड़ होती है या नहीं। हाँ आप दोगी ना मेरे साथ भाभी। ठीक है वैदे मैं तेरी मदद करूंगी। तू फिक्र मत कर मैं तेरे साथ हूँ। ठीक है मैं बाबूजी को शाम की चाय देकर आती हूँ। सुंदर है ना। हाँ बिल्कुल इसकी तरह।